राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत कुमार पांडे की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ 12 घंटे के बाद भी खाली हैं। पुलिस सुजीत कुमार के हत्यारों का अब तक पता नहीं लगा सकी है, जिसको लेकर लोगों में भी खासा आक्रोश है। वहीं सुजीत कुमार पांडे की मौत की जानकारी मिलने के बाद उनकी अंतिम शव यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुजीत कुमार पांडे को अंतिम विदाई देने के लिए यूपी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर और सपा विधायक अमरीश पुष्कर समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। इस दौरान यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने 24 घंटे में वारदात का खुलासा करने का निर्देश दिया है। ब्रजेश पाठक का कहना है कि मृतक सुजीत पांडे से हमारे पारिवारिक रिश्ते थे। इस मामले को लेकर हमने पुलिस अधिकारियों से बात की है, जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की जाएगी। हमारे लिए बहुत ही दुखद है, हत्यारों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर पूरे केस को पर्दाफाश करने के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए हैं। राउंड द क्लॉक उनकी गिरफ्तारी हो, सुनिश्चित हो कौन इस षड्यंत्र के पीछे है, और गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र इनको हम फांसी के तख्ते तक पहुँचा के रहेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, ये हमारी व्यक्तिगत क्षति है, इसको हमने व्यक्तिगत लिया है। सुजीत पांडे जी से हमारे घर के रिश्ते हैं और किसी भी स्थिति में हम इस तरीके की घटनाओं को रोकेंगे और जो अपराधी हैं उनको बेनकाब करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा, हम फांसी की सजा के लिए पैरवी करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने सुजीत पांडे की हत्या मामले को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी जी के राज में अपराध अपनी चरम सीमा पर है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सभी वर्ग नाराज हैं, चाहे आप नौजवान की बात कर लें, चाहे किसान की बात कर लें, चाहे व्यापारी की बात कर लें, चाहे दुकानदार की बात कर लें, और खासकर ब्राह्मण समाज नाराज है। ब्राह्मण समाज में इतनी नाराजगी है कि उसको ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, उसके जो हत्याएं हो रही हैं, लगातार मर्डर्स हो रहे हैं, लगातार केसेस हो रहे हैं, बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, उनकी जांच नहीं हो रही। अभी उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं तो कल आगरा में घटना है, उसमें कुछ नहीं हुआ। मिर्जापुर में कितने दिनों पहले 3 बच्चों की एक साथ हत्या हुई, उनकी आंखें निकाल दी गई, उसमें नहीं हुआ। हजारों हजारों की संख्याएं में आज उत्तर प्रदेश हत्याएं गिना रहा है, उत्तर प्रदेश को उसका दर्द महसूस हो रहा है। एक एक परिवार के 5-5 लोग जला दिए जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। हाथरस की घटना में आपने दूसरे उसमें देखें तो किस तरीके से सरकार ने गड़बड़ करने की कोशिश की, वो आपके सामने, आज सीबीआई ने उसमें चार्जशीट दाखिल की। तो पूरी तरीके से लोग नाराज हैं और अब किसी के करने से संभलने वाला नहीं है। अब जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी सरकार हटेगी, नेतृत्व बदलेगा उत्तर प्रदेश का, जब जिम्मेदार हाथों में, सक्षम हाथों में दोबारा उत्तर प्रदेश समाजवादियों के हाथों में आएगा, तभी दोबारा लोगों को यह महसूस होगा कि हमको भी सम्मान मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा सम्मान, पूरी भागीदारी, पूरी ताकत सबको मिलेगी, हमको आपको भी पूरी मजबूती से मिलेगी, इसका मैं विश्वास दिला सकता हूं। आपको बता दें कि सुजीत कुमार पांडे पर हमला तब हुआ जब सुजीत अपने ईंट भट्टे से निकलकर अपनी सफारी गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सुजीत गाड़ी से निकलकर भट्टे की तरफ भागे, लेकिन बदमाशों ने उन पर पीछे से फायर झोंक दिया और इस दौरान उनकी मौत हो गई। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।